नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। ग्रहों से जानिए रोगों से बचने के उपाय। अपनी राशि के ग्रहों के अनुसार आप ये आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में किस रोग से ग्रसित होंगे। कुंडली देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा ग्रह रोग कारक है और उनसे कौन सी बीमारी हो सकती है। जब सूर्य रोग कारक ग्रह बन जाता है तो वह पित्त रोग, ज्वर, दाह अपस्मार, हृदय रोग, नेत्र रोग, सिर पीड़ा आदि रोग की सूचना। यदि चंद्रमा रोग कारक है तो निद्रा रोग, कफ रोग, शीत ज्वर, मानसिक रोग, जलोदर आदि रोगों की संभावना व्यक्त करता है। यदि मंगल रोग कारक हो तो तृष्णा, पित्त प्रकोप, पित्त ज्वर, जलन, मज्जा रोग, रक्त विकार आदि रोग उत्पन्न करता है। यदि बुध रोग कारक हो तो भ्रांति, वाग दोष, गले के रोग, नासिका रोग, चेचक, जड़ता आदि रोग होते हैं। यदि गुरु रोग कारक हो तो गुल्म, मूर्छा, आंत्र रोग, स्थौल्य आदि होता है। यदि शुक्र रोग कारक हो तो मूत्र रोग, वीर्य विकार, स्त्री जन्य रोग, नपुंसकता, मोतियाबिंद, काला पानी आदि रोग होते हैं। यदि शनि रोग कारक हो तो वात एवं कफ जन्य रोग, थकावट, पक्षाघात, स्नायु रोग होते हैं। यदि केतु रोग कारक हो तो श्वेत कुष्ठा, जलोदर, मसूरिका एवं विष व्याधि जैसे रोग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में षष्ठ स्थान, अष्टम स्थान मृत्यु का तथा द्वादश स्थान स्वास्थ्य के ह्रास का प्रतिनिधित्व करता है। अतः षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश भाव अपने स्वभाव से ही रोगोत्पत्ति करने वाले माने गए हैं। जो रोग चिकित्सा या अन्य उपाय करने पर ठीक हो जाते हैं वे साध्य रोग कहलाते हैं और ज्योतिष में ऐसे साध्य रोगों को ठीक करने के लिए मणि, मंत्र, औषधि, दान एवं स्थान का प्रयोग किया जाता है। अब जानिए किस वस्तु के दान से रोग कारक ग्रह को शांत किया जा सकता है। सूर्य, गेहूं, गुड़, तांब, स्वर्ण, माणिक्य, सवत्सा, जौ, लाल चंदन आदि। चंद्रमा, मोती, चांदी, कपूर, दही, शंख इत्यादि। मंगल, गेहूं, गुड़, ताम्र, स्वर्ण, मूंगा, लाल वस्त्र, मसूर एवं लाल कनेर के फूल। बुध, हरा पुष्प, हाथी दांत, मूंग, पन्ना आदि। गुरु, हल्दी, पीला वस्त्र, चने की दाल, लवण, पुखराज, पीले रंग का फूल। शुक्र, विचित्र रंग का वस्त्र, श्वेत घोड़ा, घी, चावल, कपूर, श्वेत पुष्प। शनि, तिल, कंबल, काला वस्त्र, कुल्फी, तेल, भैंस, नीलम, उड़द, काले फूल, काली गाय इत्यादि। राहु, तेल, गोमेद, ऊन, भेड़, कंबल आदि। केतु, कस्तूरी, बकरा, नमक, शस्त्र, नीले पुष्प आदि। कुछ आचार्यों का मत है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में जो ग्रह रोग कारक हैं, उस ग्रह की औषधियों से स्नान कराना चाहिए। सूर्य, इलायची, देवदार, कसेर, मुलेठी, कनेर के फूल। चंद्रमा, पंचगंध, गजमद, शंख, सीप, स्फटिक, श्वेत चंदन। मंगल, बिल्व छाल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, मौलसिरी आदि। बुध, गोबर मधु, स्वर्ण, अक्षत, फल आदि। गुरु, मालती पुष्प, पीली सरसों, मुलेठी आदि। शुक्र, इलायची, सुवृक्ष मूल, केसर। शनि, काले तिल, सौंफ, सुरमा, लोबान। राहु, लोबान, हाथी दांत, कस्तूरी आदि। केतु, लोबान, हाथी दांत, कस्तूरी। अतः स्पष्ट होता है ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का जन स्वास्थ्य पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है और ग्रहों के उपचार करने से साध्य रोगों से मुक्ति पाना भी असंभव नहीं है। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।